राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने आगामी चुनाव में लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है, जिसके लिए उन्होंने लोगों की सबसे बड़ी समस्या को दूर करने का वादा किया है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने कहा है कि हमारा वादा है कि हम सभी मुंबई वासियों के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 201 से लेकर 500 यूनिट 4 रुपए प्रति यूनिट के दर से देंगे। उनको विश्वास है कि 5 सालों में होगा मुंबई का विकास। चलो बनाए बीएमसी में हमारी सरकार। देखिए, आज मैं बात करूंगा हमारे महाराष्ट्र में मुंबई में जो बिजली का रेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट्स है, वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आप देखेंगे कि हमारा महाराष्ट्र पूरे भारत का 45% बिजली पैदा करता है। सबसे बड़ा हमारा महाराष्ट्र हब है, बिजली उत्पादक हब है। फिर भी आज आप देखेंगे कि मुंबई और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बिजली के रेट्स हैं। 9.5 रुपए प्रति यूनिट के दर से आज महाराष्ट्र में बिजली दी जाती है। आज गरीब मुंबई में त्रस्त हो गया है बिजली का बिल दे दे करके। कोरोना महामारी में अंधाधुंध बिजली कंपनियों ने बिजली के बिल दिए हैं। देखिए, मैं बात करूंगा कि अगर हम सबसे ज्यादा बिजली उत्पादक हैं, तो हम यहाँ पर सस्ते रेट में बिजली क्यों नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर भविष्य में राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ये वादा करती है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में 200 यूनिट तक हम मुफ्त, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली हम अपने भाइयों को देंगे, और 201 से लेकर के 500 यूनिट तक सिर्फ 4 रुपए में बिजली दिया जाएगा। अब आप मुझसे बोलेंगे कि दिल्ली की कॉपी कर रहा हूं, बिल्कुल दिल्ली की कॉपी नहीं है। दिल्ली में 12 घंटे बिजली आती है, 12 से 13 घंटे बिजली आती है। दिल्ली में बुरा हाल है बिजली का, लेकिन मुंबई हमारे महाराष्ट्र में, चूंकि हम बिजली के सबसे बड़े उत्पादक हैं और हम 24 घंटे 200 यूनिट तक फ्री बिजली दे सकते हैं, ये मेरा वादा है। इन सब विषयों को लेकर के राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी जनता के बीच में जा रही है कि हम 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे, 201 से लेकर के 500 यूनिट तक 4 रुपए में सिर्फ बिजली देंगे। ये मेरा वादा है और ये वादा हम अवश्य पूरा करेंगे।